हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जुरासिक गेमर्स। तो कैसे हैं भाइयों के हालचाल? आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। जुरासिक वर्ल्ड द गेम के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, बिना किसी ढिलाई के आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के एपिसोड में हम काफी ज्यादा धमाल मचाने वाले हैं, क्योंकि गाइस आज के एपिसोड में हम ओपी वाली फाइट लेंगे। और गाइस बहुत ही जल्दी यहाँ पे ट्राइसेराटॉप्स जनरेशन 2 यहाँ पे हमारे जुरासिक फैमिली में आने वाला है। तो गाइज आज आखिरी दिन है और कुछ ही समय में यहाँ पर शेक द अर्थ इवेंट खत्म हो जाएगा और गाइज हमें एकदम ओपी वाला ग्रास टाइप और भाई जो हर्बीवर्स बोलो, तो गाइज हमें यहाँ पे मिल जाएगा ट्राइसेराटॉप्स जनरेशन 2। यहाँ पर हम देख लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए गाइज। तो गाइज फटाक से हम यहाँ पर बैटल लेते हैं, ताकि गाइज देखिए हम यहाँ पर 87 पोजिशन पर हैं, लेकिन गाइज हमको 85 पोजीशन के ऊपर आना है, तो हम यहाँ पर नहीं आ सकते। कि आ सकते ना गाइस? भाई साहब एक बैटल में तो हम 85 के ऊपर चले आएंगे। चलिए गाइस यहाँ पर, वैसे हम यहाँ पर बैटल जीत गए हैं, लेकिन फिर भी गाइस हम बैटल ले लेते हैं। चलिए, मतलब हम शेक द अर्थ इवेंट को अच्छे से अलविदा के बोलते हैं। क्यों, सही बोला ना गाइस मैंने? तो चलिए फटाक से, यहाँ पर 5 मिनट रह गए, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लेके जाएंगे। क्या लेके जाओगा इसमें भाई साहब? मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो मिल जाए तो भाई बात ही बन जाए। तो यस गाइस, यहाँ पर मैं ये कार्निवो को लेके जाता हूँ, उसके बाद में टैप्लोजोफेलस, और आखिरी में गाइस हम लेके जाएंगे टिरानासोरस रेक्स। तो चलिए गाइस यहाँ पे बैटल शुरू करते हैं और हमारे शेक द अर्थ इवेंट को हम अच्छे से विदा करते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर भाई आ जाए तो भाई बात ही बन जाए। भाई देख लेते हैं, और भाई साहब क्या ही ज़्यादा ओपी अपोनेंट देख रहे हो ना गाइस? और भाई क्या ही ज़्यादा ओपी, मतलब हमारे टैपलो जो फैलस को भाई पूरी तरह घेर लिया इन लोगों ने, मतलब चारों तरफ से घेर लिया है भाई, तुम कहीं जा ही नहीं सकते बच के, कि नहीं? तो भाई यहाँ पर बहुत बुरी सिचुएशन हो गई है, तो हमारे यहाँ पे टैपलो जो फैलस को ही बचाना पड़ेगा गाइस। एक पॉइंट डिफेंस पर रखता हूँ, चलिए कोई नहीं फिर भी मैं। और यहाँ पर देख लेते हैं भाई कॉन्केवेटर क्या करता है। कॉन्केवेटर गाइस बहुत ओपी है, बट इसका लेवल 20 अगर बना लेता ना ये हमारा अपोनेंट, भाई बहुत ही ज़्यादा ओपी हो जाता। चलिए 2 पॉइंट अब होल्ड भी रखना पड़ेगा मुझे। तो गाइस यहाँ पे भाई साहब एपेटोसोरस आया है लेवल 35, सेक्नोसूचस आया है यहाँ पर। तो क्या हमारा भाई अकेला भाई टिरानोसोरस रेक्स इसको संभाल पाएगा? देखते हैं गाइस, देखते हैं। तो क्या करूँगा इसमें अब भाई, टैप्लोजोफेलस को भाई बचाना, टैप्लोजोफेलस को कुर्बान भी करना पड़ सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर बैटल कुछ ऐसे ही चल रही है। तो चलिए यहाँ पर मैं 4 के 4 पॉइंट होल्ड पर रख लेता हूँ अब। चलिए 5 पॉइंट यहाँ पर बहुत ही सही, देखते हैं गाइस कितने का अटैक मिलता है हमको। देख लेते हैं गाइस, देख लेते हैं भाई साहब डायनो स्वैप क्या है यहाँ पर। बहुत ही सही, बहुत ही सही, और भाई अटैक मिला नहीं, ये क्या बात हुई गाइस, ये क्या ही बात होगी मतलब। तो गाइस यहाँ पर अब मैं क्या करूँ, क्या करूँगा इसमें बताइए आप ही। 1 2 3, 1 पॉइंट डिफेंस पे, 4 पॉइंट होल्ड पर। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो हम यहाँ पे डाउन कर देंगे एपेटोसोरस को, लेकिन गाइस पूरी तरह यहाँ पे डाउन नहीं कर पाएंगे। और भाई साहब देख रहे हो ना आप, क्या 7 के 7 अटैक दे गए एपेटोसोरस, देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे फाइनली 7 के 7 अटैक मिल गया हमको, बहुत ही सही भाई। इसको बहुत बुरी तरह मारूंगा मैं एपेटोसोरस को। भाई तूने हमारे प्यारे टैपलो जो फेलस को भाई छोड़ा नहीं है ना, अब देख तू बस। तो चलिए गाइस यहाँ पर एपेटोसोरस को हम ख़त्म करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे भाई करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस बहुत ज़्यादा ही मैंने यहाँ पर किया है, जब जाके यहाँ पे भाई फिनिश हुआ है ये भाई, कितना ज़्यादा मैंने 6 पॉइंट का भाई दिया है भाई मैंने, जब जाके एपेटोसोरस फिनिश हुआ है भाई, समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो कि नहीं गाइस? तो यहाँ पर कॉन्केवेटर को 4 अटैक देने पड़ेंगे, टाइम बहुत जल्द जल्द बीत रहा है भाई, इवेंट ख़त्म होने वाला है। और भाई हम पूरी कोशिश करेंगे कि इवेंट से पहले यहाँ पे ख़त्म करें। तो चलिए बहुत ही सही गाइस, यहाँ पर हमारा प्यारा दुलारा टिरानोसोरस रेक्स भाई क्या ही ज़्यादा ओपी भाई, लेवल 30 का, लेकिन भाई इसके इसकी मतलब ताकत ऐसी है कि मतलब बड़े बड़ों को भाई डाउन कर देता है, क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ पर हमें 3 अटैक देने पड़ेंगे, और यहाँ पर भाई अच्छा खासा यहाँ पर अटैक देगा गाइस, ये 3 के 3 पॉइंट डिफेंस पर रखता हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर भाई जो हमारा क्या बोलूँ गाइस सेक्नोसूचस है ना भाई, एकदम ओपी है, लेवल 12 का है गाइस।
तो गैस अगर यहाँ पर हमें चार अटैक मिलते हैं तो भाई हम बच जाएंगे। और गैस यहाँ पे कभी थोड़ा देख लेते गैस, फिंगर क्रॉस कर लेते हैं। और गैस फाइनल यहाँ पे चार अटैक मिल गए। और गैस देख रहे हो ना आप भाई, हमारे रैक्सी ने बैटल जिता दिया यहाँ पर, तो भाई क्या ही ज़्यादा ओपी। चलिए और भाई साहब ये डाउन कर दिया इसको। और चलिए गैस यहाँ पे टिरानोसॉरस रैक्स बहुत ही ज़्यादा ओपी, हमने अशेक दर्द इवेंट को जाते जाते अच्छे से विदा किया गैस। और यहाँ पे हम पोजीशन पे आ गए गैस 2418 ट्रॉफीज के साथ में। कितनी पोजीशन पे गैस? गैस बोला था ना मैंने गैस 83 पोजीशन पे आ गए भाई साहब हम लोग। लास्ट हम यहाँ पर स्पिन कर लेते हैं, कुछ ओपी मिल जाए तो भाई बात ही बन जाए। तो भाई कुछ ओपी मिल जाए भाई, 100 डीएनए मिले कोई नहीं गैस। चलिए बहुत ही सही। और यहाँ पे अभी भी भाई टाइम बचा है, मुझे लग रहा था कि टाइम खत्म हो गया। चलिए कोई नहीं गैस, यहाँ पे सिर्फ 30 सेकेंड्स बचे हैं, जब तक हम थोड़े हमारे पार्क में यहाँ पे कुछ चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि पैक हमने कलेक्ट कर लिया ही है। बहुत ही सही गैस। और आपको एक खुशखबरी बतानी थी कि भाई साहब हमने यहाँ पे कैसे भी करके कल फाइनली गैस हमने यहाँ पर हमारे आखिरी इंडोमिनस रेक्स को भी यहाँ पर हैचरी में डाल दिया है। और ये बहुत ही जल्दी हो जाएंगे दोनों जन, क्योंकि गैस 1 सितंबर को भाई कैसे भी करके हमें इंडोर रैप्टर लेके आना है भाई। आप सभी से वादा किया है ना, और आप लोगों ने इतना सपोर्ट भी किया है। आप लोग 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद गैस आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है और अभी भी हमारे साथ बने हैं, तो गैस भाई हमारे लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए गैस उससे पहले गैस हम लोग यहाँ पे बात करने से पहले यहाँ पे हमारा इवेंट ख़त्म हो चुका है, तो गैस चलिए उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। और भाई साहब डोमिनेटर रिवार्ड ट्राइसेराटॉप जनरेशन 2, तो गैस देख रहे हैं ना क्या ही ज़्यादा ओपी दिख रहा है। चलिए गैस इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। और चलिए बहुत ही सही, 500 यहाँ पर बक्स मिले हैं, 4 लाख के आसपास यहाँ पर हमें कॉइन्स मिले हैं। और यहाँ पे हमें कुछ फूड भी मिले हैं काफ़ी ज़्यादा ओपी। और ट्राइसेराटॉप जनरेशन 2 का एकदम ओपी वाला गाइस कार्ड, बहुत ही ज़्यादा ओपी गाइस। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर ट्राइसेराटॉप जनरेशन 2 को भी अनलॉक कर लिया है हमारे जुरासिक फैमिली में। और अच्छे खासे JW पॉइंट देख रहे हैं ना आप लोग, ट्राइसेराटॉप जनरेशन 2 वॉज अनलॉक्ड। तो बहुत ही ज़्यादा गाइस, बहुत ही ज़्यादा ओपी। तो चलिए गाइस इसको हम जैसे ही यहाँ पर हमारे हैचरी में यहाँ पे जगह बनेगी ना, तो हम उसे हैचरी में डाल देंगे। हमारा ड्रैकोरेक्स 3 दिन बाद आने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा ओपी है गाइस आगे के एपिसोड्स होने वाले हैं। तो चलिए गाइस, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो गाइस आप लोग एपिसोड को लाइक करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी ज़्यादा ओपी होगा गाइस। तो चलिए यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा ओपी खेला और फाइनली हमने एकदम ओपी वाला हर्बीवो का कार्ड यहाँ पर जीत लिया। और गाइस बहुत ही जल्दी हम आगे जाके बनाएंगे गाइस एकदम ओपी वाला हाइब्रिड ड्रैकोसेराटॉप्स, क्योंकि गाइस दोनों हमारे पास में आ चुके हैं, दोनों हमने डायनोस अनलॉक कर लिए हैं, और बस हमें उन्हें परचेस करना है, लेवल 40 बनाना है। और गाइस एकदम ओपी वाला ड्रैकोसेराटॉप्स का जो एकदम न्यूली भाई हाइब्रिड आया ना, एकदम सुपर हाइब्रिड, बहुत ही ओपी वाला हाइब्रिड, उसको गाइस हम बनाएंगे, क्या ही ज़्यादा ओपी गाइस, क्या ही ज़्यादा मजा आने वाली है। चलिए गाइस यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा फूड लगने वाला है। और गाइस हमारे क्रिएशन लैब में यहाँ पर इंडोमिनस रेक्स है भाई साहब, तो इंडोमिनस रेक्स को हम करके देखते हैं गाइस क्या ये हो जाएगा। यस गाइस फाइनली इंडोमिनस रेक्स लेवल 20 का हमारे जुरासिक फैमिली में फिर से आ चुका है। फिर से क्यों? क्योंकि गाइस हमने इसके पहले 2 या 3 बार तो भाई वापस से हम लेके आ चुके हैं। यहाँ पर फ्यूज़ में भी कुछ कम्प्लीट हो गया, बहुत ही सही। चलिए गाइस इसको भी हम लेवल 20 कर देते हैं, मतलब हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए गाइस, आप सभी ने इसे तो देखा होगा लेवल 20 इंडोमिनस रेक्स को। तो चलिए बहुत ही सही भाई, इसका एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा ओपी लगता है गाइस, ये खाना खा के पटकता है ना जो, उसका ट्रे बहुत ही ज़्यादा ओपी गाइस। तो गाइस क्या ही ज़्यादा ओपी, बस हमें और लेवल 20 का एक लेवल 20 का इंडोमिनस रेक्स चाहिए। और गाइस फाइनली फिर हमारे सामने होगा द इंडो रैप्टर जनरेशन 2, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाली है। तो चलिए गाइस यहाँ पर और क्या हमारे पास में है देखने लायक, यहाँ पर हम थोड़े कॉइन्स कलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में गाइस यहाँ पर फूड फैक्ट्री में यहाँ पर हमने सारे कॉइन्स डाल दिए हैं, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फूड हो और हमें आखिरी में भाई इंडो रैप्टर बनाने के लिए कोई मुश्किल ना है। और गाइस इवेंट्स में देख लेते हैं यहाँ पर, अब काफ़ी टाइम बचा है गाइस इवेंट में। और भाई साहब कोलोसियस 04 भाई क्या ही ज़्यादा ओपी, तो गाइस यहाँ पर ये एक शार्क टाइप का एकदम बॉस आ चुका है, तो चलिए गाइस इससे फाइट लड़ते भाई, क्या ही भाई नेकी और पूछ भाई हम लड़ेंगे बॉस फाइट लड़ेंगे जरूर, क्यों नहीं गाइस,
क्योंकि गाइस इसमें एकदम ज्यादा यहाँ पे डीएनए मिलता है। तो गाइस हमारे व्यूअर्स को, हमारे जुरासिक फैमिली मेंबर्स को मैं बताना चाहूंगा कि गाइस वो समय आ चुका है जब आप ज्यादा से ज्यादा भाई डीएनए आप ले सकते हैं अपने गेम के अंदर, क्योंकि गाइस ये आ चुका है ग्लॉस ईयर 04 बॉस इवेंट। इसमें गाइस आप लगभग 15,000 से 20,000 डीएनए ले सकते हैं। तो गाइस कितनी बड़ी बात होती है, और इससे आप 15,000 से 20,000 डीएनए से आप अच्छे खासे हाइब्रिड खरीद सकते हैं, अच्छे खासे डायनोस खरीद कर उन्हें लेवल 40 का मैक्स कर सकते हैं गाइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी है। तो ये इवेंट को आप चेकआउट करिएगा, और इस इवेंट को खेलना ही पड़ेगा आपको गाइस, खेलना ही है, भूलना मत प्लीज़, क्योंकि गाइस ये इवेंट सिर्फ महीने में एक बार आता है। तो चलिए गाइस फर्स्ट बैटल हम लेते हैं, और गाइस हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए हम लें, ताकि हमारे आगे के प्लान्स के लिए यहाँ पे डीएनए कलेक्ट हो जाए। तो चलिए गाइस यहाँ पर भाई सरफेस डायनो है हमारा क्लॉसियस 04। तो चलिए गाइस इसको हम यहाँ पर क्या करें, अब हमारे को लेके जाना होगा यहाँ पर अच्छे खासे डायनोज लेके जाना होगा। वैसे हमारे पास में थोड़े कम है यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर थोड़े कम डायनोज है हमारे पास में, लेकिन गाइस यहाँ पर इतने ओपी वाले डायनोज नहीं लेके जाने पड़ते हैं हमें, बस लास्ट वाला डायनो एकदम ओपी होना चाहिए जो कि अपोजिट हो हमारे बॉस से। चलिए गाइस यहाँ पर लोड हो रहा है, और कुछ ही देर में हमारे सामने क्लॉसियस 04 के साथ में हम बैटल करते हुए दिखेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पर फाइनली हमारे क्लॉसियस 04 लोड हो चुका है। तो चलिए गाइस यहाँ पर हमें पहला पॉइंट तो रखना है होल्ड पर। भाई क्या ही ज़्यादा ओपी भाई दिख रहा है गाइस, देख रहे हो ना आप लोग, भाई स्क्रीन पे देख रहे हो ना, क्या ही ज़्यादा ओपी दिख रहा है बॉस गाइस, मतलब भाई क्या ही बोलूँगा इसमें, मतलब एकदम ओपी बॉस है गाइस। उसके दांत देख लो गाइस, दांत कितने खतरनाक दिख रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे थोड़ी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे कभी मैं 2 पॉइंट डिफेंस पे रखता तो भाई साहब, लेकिन यहाँ पे क्लॉसियस ने कुछ किया ही नहीं, बहुत ही सही बात। मतलब भाई जो हमारा डायनो है ना, वो उसी का जात का है ना गाइस, सरफेस डायनो है, तो भाई इसने कुछ किया नहीं, छोड़ दिया भाई बच्चा समझ के कुछ भी। लेकिन गाइस ये बच्चे समझ के तुमने छोड़ दिया ना, अब हम तुमको भाई लेवल 1 से भाई टपका देंगे भाई, अब तुम बहुत बुरी तरह पिटने वाले हो भाई क्लॉसियस। चलिए गाइस यहाँ पे 8 पॉइंट का एकदम ओपी वाला अटैक, और 10,000 8,000 के आसपास यहाँ पे अटैक दिया है हमारे हुमिनोसॉरस ने, बहुत ही सही गाइस, और लेवल 1 को हमने डिफीट कर दिया है यहाँ पर। तो चलिए गाइस यहाँ पे लेवल 1 को हमने डिफीट कर दिया है, और भाई बहुत बुरी तरह मारा है यहाँ पर। कोई नहीं गाइस, कोई नहीं, कोई नहीं गाइस, कोई नहीं, जो हमें काम करना था वो हमने कर दिया है, और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ओपी। लेकिन गाइस हमको यहाँ पर 500 का डील देना था, कोई नहीं गाइस, यहाँ पे भाई हमें अच्छे खासे यहाँ पे डीएनए मिलेंगे, हाँ लगभग 150 डीएनए मिले ना हमको, बहुत ही ज़्यादा ओपी। तो चलिए यहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं कि डू 2 अटैक ऑफ 6 पॉइंट्स, तो 6 पॉइंट का हमको अटैक करने गाइस, तो हम यहाँ पे फिर से हमारे डायनोस को लेके जाएंगे और 6 पॉइंट के अटैक करेंगे गाइस। तो चलिए गाइस यहाँ पर पहला पॉइंट मैं रखूँगा होल्ड पर, यहाँ पे एक और फाइट हो जाएगी गाइस, 1 पॉइंट होल्ड पर रखा है मैंने। और भाई क्लॉसियस इतना टाइम क्यों लगा रहा है भाई, देखो पता है ना तू मार सकता है, तो भाई मार दे भाई, सोचने की बात ही नहीं है गाइस, है कि नहीं भाई। उसको मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ भाई, कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर है, इंसान से कंप्यूटर कभी आगे नहीं निकल सकता ना गाइस। चलिए यहाँ पर भाई बच गए हम, 4 के 4 पॉइंट होल्ड पर रखता हूँ अब मैं, देखते गाइस कितना अटैक मिलेगा हमको क्लॉसियस 04 से। भाई साहब क्या ही ज़्यादा ओपी गाइस, देख रहे हो ना, मतलब इसको पता था क्या भाई कि मैं यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे होल्ड पे रख दूँगा। लेकिन गाइस हमको यहाँ पर 6 अटैक करने हैं ना, तो हमें 6 अटैक करने पड़ेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पे 6 अटैक किया है मैंने, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओपी। तो गाइस आपको यहाँ पर अपने मिशन्स कंप्लीट करने हैं, मिशन्स आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डीएनए मिलेंगे, और गाइस उससे आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डीएनए ले लेंगे। भाई कौन सा अटैक दे रहा है भाई क्लॉसियस, भाई दिख ही नहीं रहता भाई सामने, चलिए कोई नहीं गाइस, भाई खुश हो जा तो, लेकिन तू भाई रुक जा तेरे को बताएंगे भाई, हमारे डायनोस बताएंगे तेरे को, रुक जा। चलिए गाइस यहाँ पर 1900 के आसपास यहाँ पे हमें अटैक मिला है, और भाई चलिए हमारे को यहाँ पे 100 या 200 डीएनए मिले, हमें एक और यहाँ पर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा गाइस, 6 पॉइंट का अटैक करना पड़ेगा। चलिए गाइस मैं अटैक करता हूँ 6 पॉइंट का फटाक से, और यहाँ पर क्या लेके जाओगा इसमें, 105, चलिए इसे लेके चले, ओ भाई साहब सर्वर लॉस्ट,
तो गाइस क्या ही बोलो गाइस, मैं मतलब भाई भाई कनेक्शन लॉस हो गया था गाइस। मतलब भाई कनेक्शन लॉस मेरे पीछे एकदम कुत्ते के जैसे पड़ गया गाइस। मतलब हर रोज भाई वही दिक्कत आ रही है भाई, क्या बोलूं गाइस मैं अब। चलिए कोई नहीं गाइस, गुस्सा करके भी भाई भाई हमारे ही नुकसान होगा, इसलिए हमें हल्के से सोचना चाहिए। चलिए गाइस यहाँ पर हमें 6 पॉइंट का अटैक देना है और हमको 3000 डैमेज भी देना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने लिया है हमारे ओपी वाले यहाँ पे शेल टाइप को, बहुत ही ओपी। चलिए यहाँ पे, ओ भाई गलत सीन कर दिया गाइस मैंने, देख लो भाई ये नेटवर्क ने भाई दिमाग ख़राब कर दिया मेरा भाई। मेरे को यहाँ पे होल्ड पे रखना था, मैंने यहाँ पे भाई क्या कर दिया अब। चलिए कोई नहीं गाइस, अब मैं रखता हूँ 2 पॉइंट डिफेंस पे, यहाँ पे हम गलती सुधारेंगे। हमको 6 पॉइंट का अटैक देना है गाइस, 6 पॉइंट का अटैक देना है। चलिए बहुत ही सही, 6 पॉइंट का अटैक हो जाएगा अब। तो चलिए गाइस यहाँ पर भाई कितने ज़्यादा भाई दांत देख रहे हो ना उसके भाई, एकदम अलग ही भाई, एकदम अलग ही, कितने ज़्यादा ओपी दिख रहे हैं इस दांत। 1 2 3 और यहाँ पे 4 पॉइंट का होल्ड पर, क्योंकि गाइस हमको एकदम ओपी वाला यहाँ पे अटैक करना है भाई। हमारा ओपी वाला डायनो भाई, शेल डायनो यहाँ पर ये कर सकता है, और भाई ग्लेशियर्स को तो भाई ऐसे ही टपका देगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं अटैक करता हूँ अब। 600 का अटैक लगेगा इस, इसको 600 का डैमेज लगेगा, सॉरी 1 2 3 4 5 6। चलिए बहुत ही सही, 6 अटैक यहाँ पे दिया है गाइस मैंने, और भाई साहब 7000, बहुत ही सही गाइस। चलिए गाइस यहाँ पर हमने 2 मिशन और कंप्लीट कर लिए और हमको यहाँ पर अच्छे खासे डीएनए मिलेंगे अब। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं ना, मतलब मैं कैसे, मतलब अभी के अभी अभी हमने लगभग 500 से 600 या तो 1000 तक के हमने डीएनए बस 2 या 3 मिशन में ही गाइस हमने ले लिए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओपी गाइस। तो चलिए बहुत ही सही, देख रहे हो ना गाइस यहाँ पर, देख रहे हो। तो चलिए यहाँ पर हमने अच्छे खासे यहाँ पे डीएनए हमें को मिल गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ओपी गाइस। तो गाइस चलिए यहाँ पे एपिसोड लंबा हो जाएगा, और आपको बताना था कि यहाँ पे हमारे फैमिली में यहाँ पर फाइनली क्लैश ऑफ टाइटन यहाँ पे अनलॉक हो गया है, और इस बार गाइस हमारे साथ में आया है एडियोस्टस गाइस। ये एक सरफेस डायनो है, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा ओपी है गाइस, और भाई एकदम ज़्यादा ही ओपी है गाइस, क्योंकि इसका डैमेज और हेल्थ एकदम मेंटेन है। मतलब सबसे अच्छा डायनो लगा मुझे गाइस ये, मतलब सरफेस डायनो के अंदर, एक्वाटिक डायनो के अंदर सबसे अच्छा डायनो लगा मुझे, जिसका हेल्थ और डैमेज दोनों मेंटेन है गाइस। मतलब ज़्यादा कम भी नहीं है और ना ज़्यादा भी है। तो गाइस बहुत ही अच्छा डायनो, इसके लिए हम फाइट करेंगे बहुत ही जल्दी। इसमें काफ़ी ओपी ओपी यहाँ पे हमें रिवार्ड भी मिलेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पर आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। तो आई होप गाइस आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।